वन एंड ओनली द लेजेंड रशीद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद मुलाकात। हाँ, बहुत अर्से के बाद मुलाकात हुई है एंड वी आर वेरी लकी कि आपको हम इधर लाहौर में देख रहे हैं। अच्छा, क्विकली कुछ दो चार क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताइए कि सेकंड एडिशन होने जा रहा है, प्रिपरेशन के हवाले से बताइए और कुछ मुश्किल पहले सीज़न में हमने कुछ देखी उस पर कैसे ओवरकम करें? वो तो काफ़ी हद तक किया हो तो आपने खबरें पढ़ी ली होंगी, दूसरी में भी हैं, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात को डिनाई नहीं करूँगा। देखिए, मुश्किलात होती हैं, बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं कश्मीर में, और लेकिन उसको मैनेजमेंट हो, हमारे टीम हो, कि बड़े खुश उसलूबी से उसको मुकम्मल किया और आगे चलें। फ्रेंचाइज की बड़ी सपोर्ट रही, अब 60 फ्रेंचाइजें, लास्ट टाइम 1 थी, वो 6 थी, तो अब देखें 3-4 तारीख से कैंप शुरू हो जाएंगे इनके इस्लामाबाद में और 12 या 13 तारीख जो है उससे हम शुरू करने जा रहे हैं। डेट्स की लेट होने की रीज़न क्या बनी? एजी की गवर्नमेंट ने जो परमिशन दी। अच्छा। है ना, वो डेट मखसूस डेट दी है क्योंकि मुहर्रम भी है और उसके बाद सिक्योरिटी रीज़न बहुत सारी चीज़ें थी, तो मेरे ख्याल से वजह यही है। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, PSL हमारी सबसे मेन कमोडिटी है और जिस तरह हमने ग्रो किया दुनिया की top 2-3 में आती है, अब KPL पैरेलल उसके साथ चल रही है, तो KPL का कंसर्न एक बहुत ज़्यादा दूसरे फ्रेंचाइजेज का बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया जो PSL से रिलेटेड है कि इससे हमारी जो लीग है या उस पर इफेक्ट आएगा, तो आप इसको इस मॉडल को KPL को उससे PSL से कैसे देखते हैं? देखिए, क्रिकेटिंग वाइज पे हो सकता है कि आता हो, और इस मामले में मैं कि हो सकता है PSL के साथ ही खड़ा हुआ जो फ्रेंचाइज है, लेकिन अगर पॉलिटिकल रीज़न अगर देखा जाए तो डिफरेंट है बिल्कुल। इसका जो महवर है वो डिफरेंट है। आप कश्मीर का नाम लेते हैं, क्रिकेट वो ही अलग हो जाती है, फिर आप पॉलिटिकल ग्रिप चाहिए आप, तो उस लिहाज से देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये समझता है, लेकिन परमिशन क्रिकेट खिलाने के लिए तो अलग चीज़ ही है। ये कश्मीर के नाम को प्रमोट करने के लिए, वहाँ के प्लेयर्स को प्रमोट करने के लिए परमिशन मिली है, वरना कोई ऐसी बात होती क्रिकेट को पैरेलल चलाने की तो PCB कभी भी नहीं देता। ये बहुत ज़्यादा जो नैरेटिव नज़र आ रहा है हम लोगों को इस वजह से। इसका कोई अगर आप टॉप नॉच बात कहना चाहें इस हवाले से कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट KPL का होने जा रहा है, तो वो आप क्या समझते हैं, एक दो मेरिट्स इसके क्या बड़े? मेरे ख्याल से कि कश्मीर के जो प्लेयर खेल रहे हैं वो एक सबसे बड़ा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं है, अकेडमीज नहीं है, ग्राउंड फैसिलिटीज कम है, तो इससे एक 5 प्लेयर टीम में 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि 14 प्लेयर्स प्लेइंग 11 के अंदर होंगे, तो हर साल इसी को मेरे ख्याल से इसको बढ़ाना चाहिए। और कश्मीर के जो नाम कश्मीर का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो कश्मीर के लोकल प्लेयर को बेनिफिट मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई आपके टाइम का, इंशाल्लाह मुलाकात।